Hello everyone, myself Anushree Soni. Our today's topic of discussion is conjoint analysis. So let's start with what is conjoint analysis. जो term है conjoint, वो दो words से मिलकर बना हुआ है, considers jointly. हम क्या करते हैं कि जितने भी attributes होते हैं उनका individual effect देखते हैं product या फिर ब्रांड पे, और उनका इंडिविजुअल इफ़ेक्ट देखकर कि कस्टमर का रिस्पांस देखकर, उसका इफ़ेक्ट देखकर कि कस्टमर जो है, रेस्पॉन्डेंट जो है, वो किसको ज़्यादा रेस्पॉन्ड कर रहा है, किस एट्रीब्यूट को ज़्यादा वैल्यू कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना मार्केट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं और मार्केट का सेगमेंटेशन करते हैं. तो कंजॉइंट एनालिसिस इज़ अ टर्म गिवन टू अ मल्टीवेरिएट एनालिटिक टूल. इट इज़ अ मल्टीवेरिएट एनालिटिक टूल. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एट्रीब्यूट्स क्या आ गए, मैनी ऑफ द एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास. मतलब यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल ना होकर हमें बहुत सारे वेरिएबल्स की स्टडी करनी है, इसलिए ये क्या है, मेरी एक मल्टीवेरिएट टेक्निक है. जो ऑब्जेक्टिव है कंजॉइंट एनालिसिस का, वो ये है कि कौन से लिमिटेड नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा रेस्पोंडेंट की चॉइस पर और डिसीजन मेकिंग पर. जैसे कि एक टीवी मैन्युफैक्चरर है, उसको ये जानना है कि जो उसके कस्टमर्स हैं वो किसको ज़्यादा अप्रोप्रिएशन देते हैं, किसको ज़्यादा रेस्पॉन्ड करते हैं, पिक्चर क्वालिटी को या फिर साउंड क्वालिटी को या फिर वैल्यू को ज़्यादा रेस्पॉन्ड करेंगे एज़ कम्पेयर टू पिक्चर क्वालिटी. तो ये सारा अगर एनालिसिस करना है मैन्युफैक्चरर को मैन्युफैक्चरिंग के पहले, तो वो किससे होगा, कंजॉइंट एनालिसिस से होगा. कंजॉइंट एनालिसिस हमको हेल्प करता है कि जितने भी फीचर और एट्रीब्यूट्स हैं हम उनको एक वैल्यू दे सके, जिससे हमें बिजनेस एक्सपेंशन में और मार्केट सेगमेंटेशन में, मार्केटिंग में हेल्प मिलती है. सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कंजॉइंट एनालिसिस क्या होता है. जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, हम उन सब वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स की एक वैल्यू निकालते हैं रेस्पोंडेंट के अकॉर्डिंग. रेस्पोंडेंट या फिर कंज्यूमर कौन सी एट्रीब्यूट्स, कौन से फीचर्स को ज़्यादा वैल्यू देता है, उसी अकॉर्डिंग फिर हम मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन और मार्केट सेगमेंटेशन स्टार्ट करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती है प्रोडक्ट के सेगमेंटेशन में, प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में और प्रोडक्ट के सेल में और हमारे बिजनेस में. सो अगर हम कंजॉइंट एनालिसिस को समझें तो हम देखते हैं यहाँ पर कि लैपटॉप जो है, हमारे पास बहुत सारे लैपटॉप्स हैं ब्रांड के अकॉर्डिंग, तो हम कौन सा लैपटॉप चूज़ करेंगे. तो ब्रांड अगर हम देखें तो यहाँ पर HP, डेल और सोनी का ब्रांड है. प्रोसेसर है हमारे पास डिफरेंट, रैम है हमारे पास, मॉनिटर है हमारे पास और यहाँ पे प्राइस है हमारे पास. अब हम क्या करेंगे, एक सर्वे करेंगे जिसमें हम रेस्पोंडेंट की चॉइस और डिसीजन मेकिंग पावर चेक करेंगे कि वो कौन सी चॉइस को, कौन से एट्रीब्यूट्स को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है. अगर वो ब्रांड को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, वो प्रोसेसर को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, रैम को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, मॉनिटर को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है या फिर प्राइस को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है. मान लीजिए वो किसी एक ब्रांड को वैल्यू दे रहा है लेकिन उसका जो सेकेंडरी है वो है प्रोसेसर, कि नहीं मेरे को जो सोनी वाला प्रोसेसर है वो ज़्यादा पसंद आ रहा है लेकिन ब्रांड मेरे को HP का पसंद आ रहा है और प्राइस मेरे को जो सबसे कम है वो चाहिए. तो अगर HP वाला या फिर सोनी वाला, जो भी ब्रांड है, वो अगर अपना प्रोडक्ट वापस से रीलॉन्च करना चाहे तो वो क्या करेगा कि जो भी मार्केट कहता है, जो भी रेस्पोंडेंट कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना नया प्रोडक्ट डिज़ाइन करेगा और उसी के अकॉर्डिंग अपने मार्केट को सेगमेंट करेगा. सो दिस विल हेल्प द बिजनेस मैन, दिस विल हेल्प देम टू एक्सपेंड देयर बिजनेस और टू मेक प्रॉफिट और टू सेल देयर प्रोडक्ट्स विद चॉइस ऑफ द पीपल. सो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या होगी, फैक्टर. यहाँ पर फैक्टर वो होता है जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिसर्चर चूज़ करता है और उसको मैनिपुलेट करता है, और वो किससे रिप्रेजेंट करता है, उसको स्पेसिफिक एट्रीब्यूट से रिप्रेजेंट करता है. अब यहाँ पे एट्रीब्यूट्स ऑफ फीचर्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ फीचर्स हम किससे एनालिसिस कर सकते हैं, जब भी हम एनालिसिस करते हैं उससे हम इनको इवैल्यूएट कर सकते हैं. एग्जांपल क्या है इसके, लैपटॉप के, जैसे लैपटॉप की अगर हमने बात की थी अभी, लैपटॉप का ही बात करें वापस से, तो ब्रांड हो गया, साइज़ हो गया, क-
कलर हो गया और उसकी बैटरी की लाइफ हो गई। तो ये जो डिफरेंट हैं ये क्या कहलाएंगे, मेरे एट्रीब्यूट्स फॉर लैपटॉप कहलाएंगे, ब्रांड, साइज, कलर और बैटरी लाइफ। अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो हर एक एट्रीब्यूट का एक स्पेसिफिकेशन होता है, वो जो डिफरेंट स्पेसिफिकेशन होंगे वो क्या कहलाएंगे, मेरे लेवल्स कहलाएंगे। जैसे कि डिफरेंट ब्रांड्स हैं मेरे यहाँ पे, सैमसंग हो गया, डेल हो गया, एप्पल हो गया, एसस हो गया, तो ये डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं लैपटॉप की क्या कहलाएंगी, लेवल्स कहलाएंगी। टास्क क्या होता है, टास्क जैसे कि मैंने 5 आपको चॉइसेस दी, अगर मैं सर्वे कर रही हूँ और मैं कस्टमर को या कंज्यूमर को 5 चॉइसेस दे रही हूँ तो वो क्या हो गया, मेरे 5 टास्क हो गए। 5 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स दे रही हूँ तो वो क्या हो गए, मेरे 5 टास्क हो गए कि कौन से एट्रीब्यूट को ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, कौन से ब्रांड को ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, कौन से स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, कौन से फीचर को ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। लेकिन उसमें टास्क कितने हैं, मेरे 5 टास्क हैं। कॉन्सेप्ट और प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो ये क्या है, द हाइपोथेटिकल प्रोडक्ट और ऑफरिंग, दिस इज़ अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विद डिफरेंट लेवल्स दैट आर डिस्प्लेड एट ईच टास्क काउंट, देयर आर यूजुअली एटलीस्ट 2 टू चूज फ्रॉम। मतलब मैंने अपने अपने एट्रीब्यूट्स को डिफरेंट लेवल्स के साथ शो किया है टास्क काउंट पर, और उसमें से आपको कितने एट्रीब्यूट्स चूज करने हैं, एटलीस्ट 2 चूज करने। तो ये प्रोफाइल बनाने का तरीका है, कॉन्सेप्ट बनाने का तरीका है। व्हाट यूटिलिटी इज़ कि मैंने क्या किया, सब्जेक्टिव प्रेफरेंस दे दी इंडिविजुअल के जजमेंट को, सब्जेक्टिव प्रेफरेंस दे दी। तो जब मैं सब्जेक्टिव प्रेफरेंस दूंगी, जैसे मेरे को किसी एक ब्रांड तो पसंद आ रहा है लेकिन प्रोसेसर मुझे किसी और ब्रांड का पसंद आ रहा है, तो अगर मैं प्रोसेसर इसी ब्रांड में दूँ तो मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट लेना पड़ेगा कंज्यूमर से, तो वो क्या कहलाएगी, मेरी यूटिलिटी कहलाएगी। क्यों, क्योंकि उसको ब्रांड की वजह से फ़ायदा हो रहा है। सो द सब्जेक्टिव प्रेफरेंस जजमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल दैट रिप्रेजेंट द टोटल वैल्यू और वर्थ ही इज पुटिंग ऑन द प्रोडक्ट हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन अट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग अगर कोई टोटल वर्थ और टोटल वैल्यू मिल रही है मेरे प्रोडक्ट को तो वो क्या कहलाएगी, यूटिलिटी कहलाएगी। व्हाट पार्ट वर्थ इज, जो भी इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ है उन सबको अगर मैं सम अप कर दूँ तो वो क्या कहलाएगी, मेरी टोटल यूटिलिटी कहलाएगी। जैसे मैं ब्रांड के अलावा जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उन सबको एक सम अप अमाउंट दे दूँ कि अगर मैं ये वाला प्रोसेसर लेंगे तो ये अमाउंट है, ये वाला प्रोसेसर लेंगे तो ये अमाउंट है, तो ये क्या कहलाती है, मेरी पार्ट वर्थ कहलाती है। अगर इन्हीं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को हम समझें यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एक टीवी का एग्जांपल लिया है जिसमें एट्रीब्यूट्स क्या है मेरे, अब यहाँ पे समझिए आप कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है। डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि टाइप हो गया कि कौन सी आपको टीवी लेनी है, प्लाज्मा लेनी है, एलसीडी लेनी है, एलईडी लेनी है, तो ये एक एट्रीब्यूट हो गया कि टाइप। सेकेंड एट्रीब्यूट हो गया साइज़, अब डिफरेंट साइज़ की टीवीज़ अवेलेबल है मार्केट में, जैसे 36 इंच हो गई, 40 इंच होगी, 46 इंच होगी, तो ये क्या हो गया, एक एट्रीब्यूट हो गया। ब्रांड एंड प्राइस, तो यहाँ पे मेरे पास 4 एट्रीब्यूट हो गए। अब यहाँ पे लेवल्स कितने हैं, हर एक एट्रीब्यूट के साथ ईच अलग अलग लेवल है। जैसे अगर मैं एलईडी हो गया 46 इंच, फिलिप्स और प्राइस, तो ये डिफरेंट इनके क्या हो गए, हर एक एट्रीब्यूट के डिफरेंट लेवल्स हो गए। जैसे टाइप का है प्लाज्मा, एलसीडी, एलईडी, तो ये इसके क्या है, लेवल्स हैं। ऐसे साइज़ में भी डिफरेंट लेवल्स हैं, जैसे 36 इंच, 40 इंच, 46 इंच। ब्रांड में सोनी, तोशिबा, फिलिप्स, तो ये क्या है, मेरे लेवल्स हैं। किसके लेवल्स हैं, एट्रीब्यूट्स के लेवल्स हैं। प्रोडक्ट प्रोफाइल क्या बताता है कि एक ही टीवी की डिफरेंट प्राइजेज अवेलेबल है, तो ये क्या हो गई, मेरी प्रोडक्ट प्रोफाइल हो गई। हर एक 4 एट्रीब्यूट की क्या है, जो इसकी प्राइस होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी प्रोडक्ट प्रोफाइल कहलाएगी, जो डिफरेंट प्राइजेस है। नाउ अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंजॉइंट एनालिसिस। हमारे पास 2 टाइप्स के कंजॉइंट एनालिसिस होते हैं, चॉइस बेस्ड कंजॉइंट एनालिसिस और अडेप्टिव कंजॉइंट एनालिसिस। चॉइस बेस्ड कंजॉइंट एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ तो ये वो कंजॉइंट एनालिसिस है जो एक तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और ये कंज्यूमर का परचेजिंग बिहेवियर सेंस करता है रियल मार्केट के अंदर। ये वो कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करेगा, अगर उसको कौन सा क्राइटेरिया चूज़ करेगा, प्राइस चूज़ करेगा या अदर फीचर्स चूज़ करेगा। अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे 2 डिवाइसेस हैं, 2 डिवाइसेस में दोनों डिवाइसेस डिफरेंट हैं, आई थिंक यहाँ पर फ़ोन की बात हो रही है, मोबाइल की बात हो रही है,
यहाँ पर क्या लिया है हमने, फर्स्ट का जो डिवाइस है उसका डिस्प्ले डिफरेंट है, सेकंड का डिस्प्ले 6.67 का है, फर्स्ट का 6.7 का ही है, इसका चिपसेट जो है दोनों का सेम है, रैम में आई थिंक थोड़ा डिफरेंट है, स्टोरेज में 6GB 128GB 6GB रैम 128GB, और कैमरे में डिफरेंट है, इधर ट्रिपल रियर कैमरा है इधर डुअल कैमरा है, और बैटरी में भी डिफरेंट है। तो अगर हम रेस्पॉन्सेज देखें कि कंज्यूमर इन दोनों डिवाइसेस को कैसे रेस्पॉन्ड करेगा, तो आप ये जानेंगे कि नंबर ऑफ़ कैमरा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर बैटरी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि अगर नंबर ऑफ़ कैमराज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो हम नंबर ऑफ़ कैमराज पे फोकस करेंगे, और अगर बैटरी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो हम बैटरीज पे फोकस करेंगे। तो ये रियल मार्केट की चॉइसेस के सिलेक्शन को बताता है चॉइस बेस्ड कंजॉइंट एनालिसिस। अडेप्टिव कंजॉइंट एनालिसिस प्राइस एनालिसिस के लिए, मतलब प्राइस एनालिसिस के लिए इतना अच्छा नहीं होता है जितना अच्छा डिज़ाइन और सेगमेंटेशन रिसर्च के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अडेप्टिव कंजॉइंट एनालिसिस अ ग्रेडेड पेयर कंपेरिजन टास्क, क्या एक कंपेरिजन टास्क है, यहाँ पे आप डिज़ाइन प्रोडक्ट का डिज़ाइन और सेगमेंटेशन रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं वो जब एक्सीड हो जाते हैं चॉइस बेस्ड के लिए, तब हम अडेप्टिव कंजॉइंट एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं। नाउ कंजॉइंट एनालिसिस के मॉडल की बात करते हैं हम, तो मॉडल क्या है हमारे यहाँ पे, UX इक्वल्स टू समेशन I अप टू M और समेशन j इक्वल्स टू 1 अप टू k अल्फा आई जे और एक्स आई जे। यहाँ पर नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स है हमारे पास m, नंबर ऑफ़ लेवल्स है हमारे पास k। तो एट्रीब्यूट कहाँ से वेरी कर रहा है, i से m तक वेरी कर रहा है, और लेवल कहाँ से वेरी कर रही है, j से k तक वेरी कर रही है। UX क्या है, यहाँ पे हमारी टोटल यूटिलिटी है, ओवरऑल यूटिलिटी है किसी भी एक अल्टरनेटिव की जो भी आपने चूज़ किया है। अल्फ़ा आई जे क्या है, यहाँ पे मेरी पार्ट वर्थ है, पार्ट वर्थ कंट्रीब्यूशन और यूटिलिटी एसोसिएटेड विद द jth लेवल ऑफ द ith एट्रीब्यूट। ठीक है, एक्स आई हमारा क्या है, इक्वल्स टू 1 होगा अगर जे लेवल है आई एट्रीब्यूट का, तब मतलब स्टार्टिंग अगर एट्रीब्यूट का लेवल है, जैसे आई स्टार्टिंग एट्रीब्यूट है और इसी का स्टार्टिंग लेवल है, फर्स्ट लेवल है, तब तो एक्स आई इक्वल्स टू 1 होगा, अदरवाइज इट विल बी 0। तो ये हमारा मॉडल है कंजॉइंट एनालिसिस का। अब कंजॉइंट एनालिसिस की प्रोसेस क्या होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहली स्टेज जो होती है कंजॉइंट एनालिसिस प्रोसेस की, वो होती है आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले हमको रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से फीचर्स, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स मुझे लेने। जैसे लैपटॉप में मैंने एट्रीब्यूट लिया साइज, कलर, ब्रांड, प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हम पास डेटा से भी ले सकते हैं, और फिर उनके लेवल्स को डिसाइड करेंगे कि कितने लेवल्स में मेरे को अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज इज, अब हम मेथडोलॉजी देखेंगे। जैसे कि मेरे पास टू टाइप्स के कंजॉइंट एनालिसिस हैं, अडेप्टिव और चॉइस बेस्ड, तो यहाँ पे मुझे कौन से कंजॉइंट एनालिसिस के साथ चलना है, अडेप्टिव के साथ जाना है या फिर चॉइस बेस्ड के साथ जाना है। इन स्टेज 4 हम क्या करेंगे, रेस्पॉन्सेज को कलेक्ट करेंगे, रेटिंग देंगे हमारे एट्रीब्यूट्स को, वैल्यू देंगे हमारे एट्रीब्यूट्स को, और रैंक देंगे हमारे एट्रीब्यूट्स को कि कौन सा एट्रीब्यूट फर्स्ट रैंक पर है, कौन सा एट्रीब्यूट फर्स्ट ऑर्डर पर है। स्टेज 5 में हम क्या करेंगे, रन एनालिसिस करेंगे, मतलब इंडिविजुअल पे भी एनालिसिस करेंगे, देन एग्लोमरेटिव भी एनालिसिस करेंगे। 5th स्टेज है रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे। 7th स्टेज इज हम इन रिजल्ट्स को वैलिडेट करेंगे। डीए में हम हमेशा रिजल्ट्स को वैलिडेट जरूर करते हैं, हम एक्सटर्नल और इंटरनल वैलिडिटी टेस्ट करेंगे कि हमारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो एक्सटर्नली और इंटरनली फिटेड है प्रोडक्ट पर या नहीं है। स्टेज 8 इज अब हम कंजॉइंट एनालिसिस का जितना भी रिजल्ट आया उसको अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट के डिज़ाइनिंग में और मार्केट के सेगमेंटेशन में। थैंक यू।